बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरसलान राजा। आज हम बनाएंगे चना चावल, चना पुलाव भी कह सकते हैं इसे। चने हमारे पास होंगे अप्रॉक्स 2.5 kg और चावल हमारे पास है अप्रॉक्स 8 kg। तो ये सब हम एक बड़े दिगचे में बनाएंगे, यानी कि आज बड़ी कुकिंग हम करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, उम्मीद है कि आप भी इसे इंजॉय करेंगे और ये एक बहुत ही नेक मकसद के लिए। और आप दुआ कीजिए हमारे लिए कि अल्लाह पाक हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता करता रहे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे 8 किलो चना चावल। उसके लिए हमारा देगचा जो है वो गर्म हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर डालेंगे हम तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तेल डालने का देसी तरीका था। प्याज हमारे पास है तकरीबन 2 किलो, 2 kg। जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इस सबको मैंने इकट्ठे करके ग्राइंड कर लिया था, वो अब इसमें ऐड करूंगा। क्वांटिटी आपको बाद में बताऊंगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर थे तकरीबन 3 किलो। अब इसका ढक्कन हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। जी, अब इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करने का टाइम आ चुका है, जो कि हमारे पास है हल्दी, सूखा पिसा हुआ धनिया, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, ज़ीरा, लाल मिर्च और तेज़पत्ता। अच्छा, इसके अंदर हम नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। जी, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस वक्त चने डालने का वक्त है, तो हम इसमें चने डालते हैं। चने हमने इसमें डाल दिए हैं, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, थोड़ी सी जायके और खुशबू के लिए हमने इस वक्त इसमें धनिया और पुदीना थोड़ा सा, यानी अप्रॉक्स 1 गड्डी हमने डाला है इसमें, और हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 किलो चावलों के लिए हमने तकरीबन 10 किलो, यानी कि 10 लीटर पानी डाल दिया हुआ है। और अब पानी चूँकि उबल चुका है, इसलिए हम इसमें चावल ऐड करेंगे और उसके बाद दम लगाएंगे। हमने चावल इसमें 8 किलो डाल दिए हुए हैं। अब इसके उबलने और पानी सूखने का इंतज़ार करें, और जैसे ही पानी सूखता है हम इसे दम लगा देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी सूख चुका है। अब इसमें हम धनिया पुदीना ऐड करके और रंग ऐड करके इसको दम पे लगाएंगे।
और हाँ, इसमें हमने 4 कैनोल क्यूब्स भी ऐड किए थे जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त दम उतारने का वक्त आ चुका है, तो हम आपको दिखाते हैं इसकी रियल कंडीशन। जी, ये हमारा फाइनल चावल तैयार। जी, तो देखा आपने, खाना बनाना कितना ही आसान है, चाहे थोड़ी क्वांटिटी हो या ज्यादा क्वांटिटी हो, बस आपका फोकस कितना है ये चीज बहुत मैटर करती है। जितना अच्छा फोकस होगा उतना अच्छा। फोकस कैमरे का नहीं, फोकस आपके माइंड की बात कर रहा हूँ मैं। कुकिंग बहुत ही आसान है, फिर भी ट्राई कीजिएगा, चाहे थोड़े में हो या ज़्यादा में। और हाँ, हम सब ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हम सब को इस कोरोना वायरस से अपनी ज़ुबान में रखे और ये चीज़ जिस मकसद के लिए तैयार हुई है वो जल्द वहाँ तक पहुँच जाए, आमीन। और हाँ, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।